अस्सलाम वालेकुम जायदाद वाला, महमूद अजीम जायदाद वाला फ्रॉम जायदाद ग्रुप बहरिया टाउन कराची। आज की जो टॉपिक है वो कंस्ट्रक्टेड या अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफिसेज या आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे या विलास या अपार्टमेंट्स के ऊपर है। मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा कि क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंस्टेड ऑफ प्लॉट्स। आप सब जानते हैं मुल्क के अंदर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ टैक्सेस लग गए हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है या नए टैक्सेस आते हैं तो लोगों को थोड़ा सा रुक जाते हैं। इन्फ्लेशन की तरफ है पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है जिस वजह से लोग रुक जाते हैं। सैलाब है जिस वजह से लोग रुक जाते हैं। तो इन सब वजूहत की बिना पर जितने भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, हैदराबाद हो, कोई भी शहर हो, वहाँ की प्रॉपर्टी प्राइस के ऊपर इसका बहुत डीप इफेक्ट पड़ता है। ख़ास तौर पर उन प्रॉपर्टीज़ का, ख़ास तौर पर जो कि जो लैंड होती है, फॉर एग्जांपल जो प्लॉट्स हैं, यानी कि चाहे DHC के प्लॉट हैं या बैरी टोन के प्लॉट हैं। आप सबको पता है कि प्लॉटों की कीमत 25-30% कम हुई है एवरेज एवरेज पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो इसका इफेक्ट बैरी टोन कराची के ऊपर भी आया है। ये हमेशा ही ऐसा होता है, लेकिन अगर आप रेडी प्रॉपर्टीज की बात करें या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की बात करें या कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें ये नहीं आया। उसमें बल्कि आपकी चीज़ें बड़ी हैं। फॉर एग्जांपल एक साल पहले जो ऑफिस थे मेंजना एवेन्यू के ऊपर या मिडवे के ऊपर, तो उनके रेट्स तकरीबन डबल हो गए हैं। पहले 5,000-6,000 पर स्क्वेयर फीट ऑफिस और अपार्टमेंट मिल जाते थे एक साल डेढ़ साल पहले आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आज जो उनका रेट है, जो या नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो स्टार्ट फ्रॉम 9,500-10,000 से और जा रहे हैं 15,000-16,000 पर स्क्वेयर फीट। मिडवे ए और मिडवे बी की बात करूं तो 5,000-6,000 पर स्क्वेयर फीट थे ऑफिसेज, और शोरूम जो चल रहे थे एक साल पहले तकरीबन कह लें कि 22,000 से 30,000 के दरमियान। ग्राउंड फ्लोर शोरूम की बात कर रहा हूँ। इस तरह जिना की ग्राउंड फ्लोर शोरूम की बात करें तो वो 50,000 पर स्क्वेयर फीट चल रहे थे एक साल डेढ़ साल पहले, आज वो तकरीबन 1,00,000 पर स्क्वेयर फीट पे चले गए। और मिडवे के अंदर ये तकरीबन 22-25 हज़ार से आज 55-60 हज़ार पर स्क्वेयर फीट चले गए। इसी तरह ऑफिस जो थे 5,000-6,000-7,000 पर स्क्वेयर फीट चल रहे थे, अब वो तकरीबन 10,000 स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे जिना एवेन्यू हो चाहे मिडवे हो, स्टार्ट हो रहे हैं वो भी 8वां फ्लोर और जा रहे हैं। अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें 15-16 हज़ार पर स्क्वेयर फीट जा रहे हैं। तो इससे ही हिसाब लगा लें कि अगर किसी किस्म के भी हालात चेंज हों तो रेडी प्रॉपर्टीज या अंडर कंस्ट्रक्शन या आपके यूनिट्स या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर प्राइसेस नीचे नहीं आती है। अगर उसको सेल भी करना चाहें या आप उसको रेंट आउट करना चाहें या उसके ऊपर अपना खुद बिजनेस करना चाहें या खुद रहाइश रखना चाहें, चाहे बहरियों के अपार्टमेंट हो, चाहे विलाज हो, चाहे आपने खुद विला बनाया हो, या फिर आप सोच रहे हों कि जनाब जो हम इंस्टॉलमेंट पर ले लें, तो इसी तर्ज को देखते हुए इसी सिक्वेंस में ये पाकिस्तान के अंदर ही पूरी दुनिया में ऐसे होता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि हमेशा जो रेडी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें हमेशा ग्रोथ रहती है, या वो स्टेडी रुक जाती हैं या ऊपर जाती हैं, लेकिन जो प्लॉट्स हैं वो कभी एकदम जंप लगेगा, वो डबल कीमत हो जाएंगे, एकदम जंप माइनस होंगे तो वो माइनस हाफ हो जाएंगे। तो ये अप डाउन रहते हैं, इसमें लोग थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो जाते हैं, एंग्जाइटी भी आ जाती है कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी नीचे जा रही है, सेल नहीं हो रही। अभी मोस्टली लोग सेल करना चाह रहे हैं प्लॉट्स, वो सेल नहीं हो रही, लेकिन अगर वो रेडी प्लॉट चीज़ें बिल्डिंग्स होंगी तो वो फ़ौरन सेल हो जाती हैं और अच्छी कीमत मिलती है। तो मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या आप चाह रहे हैं कि मैं कहीं भी अपना सेकंड सोर्स रेंटल इनकम ले लूं, तो हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं भाई टाउन के अंदर, बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। आपको आज फुल पेमेंट करने पे रेडी चीज़ भी मिल जाएगी, अंडर कंस्ट्रक्शन भी चीज़ मिल जाएगी, उसका रेंट भी स्टार्ट हो जाएगा जो आपको कैश फ्लो बन जाता है। और इसके अलावा अगर ऑफिस लेना चाह रहे हैं तो मेन जिन एवेन्यू के ऊपर ऑफिस हैं और ख़ासतौर पर मिडवे ए और बी में। और मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे पास डाउन पेमेंट नहीं है, मैं सिर्फ इंस्टॉलमेंट दे सकता हूँ, या जो पेशा लोग या छोटा बिजनेस करने वाले या बड़ा बिजनेस करने वाले, वो कहते हैं डाउन पेमेंट जैसे 25% डाउन पेमेंट देना चाह रही है तो उसको 20-25 लाख या 15 लाख शुरू होता है। तो हमारे पास 99,000 से लेके तकरीबन कह लें 3 लाख तक आपको स्टूडियो, 1 बेड और 2 बेड के अपार्टमेंट मौजूद हैं, जिसमें आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं देनी पड़ी। आप फ्रॉम वेरी डे मंथ से आप स्टार्ट करें और 2.5 साल में आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और उस वक्त आपकी कीमत बढ़ चुकी है और आपको इसका प्रेशर भी नहीं है पेमेंट का। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, सब्सक्राइब माई चैनल रिगार्डिंग एनी आपकी इंक्वायरी हो, एंड प्लीज़ कॉल अस इफ़ यू वांट टू विजिट। अल्लाह हाफिज़।